नमस्कार जुहार, छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रही हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ के तोखन साहू को मिली जगह, राज्य मंत्री के रूप में ली शपथ। पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में छत्तीसगढ़ को इस बार भी जगह मिली है। बिलासपुर सांसद तोखन साहू पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। तोखन साहू ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण से पहले पीएमओ से उनके पास फोन आया था। इसके बाद तोखन साहू प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे। तोखन साहू सांसद बनने के बाद पहली बार लोकसभा में कदम रखेंगे। तोखन साहू पहली बार सांसद बने हैं और पहली बार में ही उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। दिल्ली में बोले सीएम साय, छत्तीसगढ़ में सिकुड़ते जा रहे हैं नक्सली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में कहा कि छत्तीसगढ़ में अब नक्सली सिकुड़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, नक्सलवाद जैसा लोग सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ को ऐसी नजरों से बिल्कुल भी ना देखें। केवल 5 जिलों में ही कुछ जगह पर नक्सलवाद है। इन क्षेत्रों में अभी तक लगभग 25 से ज्यादा सुरक्षा कैंप बनाए गए हैं और इसका मतलब कैंप के 5 किलोमीटर के रेडियस में सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाना है। नक्सली लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना नहीं होगी बंद, बीजेपी का वादा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने महतारी मन से वादा किया है कि किसी भी कीमत पर महतारी वंदन योजना बंद नहीं की जाएगी। चिमनानी ने कहा कि महतारी वंदन योजना को बंद करने की झूठी खबर कांग्रेस की ओर से फैलाई जा रही है। कांग्रेस शुरू से जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति करती रही है। चिमनानी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि एक दिन कांग्रेस की झूठ की राजनीति जरूर बंद होने वाली है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि रेरा के दायरे में वे प्रोजेक्ट भी आएंगे जिन्होंने एक्ट से पहले पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक्ट से पहले की प्रोजेक्ट पर भी रेरा की प्रावधान लागू होंगे। कोर्ट ने गोल्ड ब्रिक्स और तनु कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। डिवीजन बेंच ने कहा कि रियल एस्टेट विनियम और विकास अधिनियम 2016 की धारा 71 के तहत न्याय निर्णायक प्राधिकरण अकेले मुआवजे का फैसला कर सकता है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद साय मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना तेज। लोकसभा चुनाव परिणाम व नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना तेज हो गई है। साय मंत्रिमंडल में युवा चेहरों को प्राथमिकता दिए जाने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये तय हो गया है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक व शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल लोकसभा की जिम्मेदारी संभालेंगे और उनकी मंत्री की सीट रिक्त होगी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में होस्टल बनाकर नक्सलवाद से निपटेगी साय सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित और आदिवासी इलाके में पढ़ाई और खेल को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के इन इलाकों में ऐसे आश्रम छात्रावास बनाए जाएंगे जहां पर 400 से 500 बच्चों के रहने और खाने की व्यवस्था होगी, साथ ही स्कूल और खेल का मैदान भी रहेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में पहले से मौजूद आश्रम छात्रावासों की मरम्मत करने के साथ 15 से 20 गाँव के लिए क्लस्टर बनाकर एक स्थान पर बड़ा आश्रम छात्रावास तैयार करने का लक्ष्य रखा है। भूपेश बघेल की हार पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष ने कसा तंज। राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल को मिली बड़ी हार पर भी तंज कसते हुए कहा कि वहीं राजनांदगांव की जनता ने हिसाब किताब बराबर किया है। भूपेश बघेल ने राजनांदगांव के लोगों के साथ जितना उपेक्षा और शोषण किया था, उन सब का बदला यहां की जनता ने खामोशी से लिया है। इसके साथ ही विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल के मध्यवर्ती चुनाव को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अब कोई अगर दिन में सपना देखता है तो उसे सपना देखने की आजादी है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में बर्दाश्त नहीं की जाएगी जरा भी लापरवाही, छत्तीसगढ़ मंत्री का सख्त निर्देश। लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार फिर से एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश में हर विभाग के अधिकारियों को बेहतर ढंग से काम करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में इसी बीच सरगुजा जिले के विकासखंड अंबिकापुर के नवानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती की जमीन पर डिलीवरी का मामला सामने आया। अब इस मामले का स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने संज्ञान लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को इस मामले की जाँच के निर्देश दिए हैं। पूर्व सीएम बघेल बोले, ये गठबंधन वाली सरकार है, अपने ही बोझ तले दब जाएगी।
15 साल तक सत्ता में रहने वाली भाजपा सरकार को हराकर 2018 में भूपेश बघेल सीएम बने थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव में हार के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मोदी की गारंटी को लेकर तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार न मोदी की सरकार है और न ही मोदी की गारंटी की सरकार। पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि पहले सिर्फ एक फोटो नरेंद्र मोदी की लगा करती थी, लेकिन अब मजबूरी में अपने गठबंधन के साथियों की फोटो भी लगानी पड़ेगी। ये सब पीएम नरेंद्र मोदी की फितरत में नहीं है और ये सरकार अपने ही बोझ तले दब जाएगी। कांग्रेस के बड़े नेताओं पर गिर सकती है गाज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब संगठन में बड़े बदलाव होने को लेकर चर्चा जोरों पर चल रही है। कांग्रेस संगठन में आवाज उठने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही समीक्षा को लेकर मांग उठाने लगी है। 8 जून को दिल्ली में CWC की बैठक के बाद अब PCC जल्द ही प्रदेश में भी समीक्षा बैठक करने वाली है। चर्चा है कि 15 दिन के भीतर हार पर मंथन के साथ ही सभी स्तरों की भी समीक्षा होगी। रेल लाइन का विस्तार, राज्य शासन ने अपने हिस्से का दिया 300 करोड़। कटघोरा मुंगेली कवर्धा डूंगरगढ़ रेल लाइन के लिए राज्य सरकार ने अपने हिस्से का 300 करोड़ जमा किया। जमीन अधिग्रहण के काम में तेजी आएगी। जल्द ही सेंट्रल रेलवे महाराष्ट्र की पावर जनरेशन कंपनी और आयरन कोल बेनिफिशियरी लिमिटेड अपने अपने हिस्से की राशि देने वाले हैं। इन सभी कंपनियों को 425 करोड़ का शेयर देना होगा। इसमें से छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने हिस्से का भुगतान पूरा कर दिया है। जमीन अधिग्रहण के लिए प्रोजेक्ट की कुल लागत 7,000 करोड़ रुपए का 25% राशि की आवश्यकता होगी। गर्मी की छुट्टियों के बीच बढ़ी रेल यात्रियों की मुश्किलें। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अनूपपुर न्यू कटनी जंक्शन सेक्शन के मुदरिया स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री NI व NI का काम के चलते 12 से 21 जून तक 24 यात्री ट्रेनों को अलग अलग दिनों में रद्द करने का खामियाजा यात्रियों को 10 दिनों तक भुगतना पड़ेगा। रेलवे ने इस दौरान 2 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला लिया है। थोक में ट्रेन रद्द होने से एक तरफ यात्रियों को जहां समर वेकेशन में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। शराब दुकान में आबकारी की टीम ने दी दबिश। कोरबा सरकारी शराब दुकानों में मिलावट का खेल चल रहा है। शराब में मिलावट के ऐसे ही एक खेल का खुलासा शहर के विदेशी शराब दुकान में हुआ है। जब आबकारी विभाग ने टीम में दुकान में अचानक दबिश दी, इस दौरान शराब दुकान के कर्मचारियों को बोतलों में शराब की मिलावट करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मामले में शराब दुकान के सुपरवाइजर, सेल्समैन और मल्टी वर्कर 3 कर्मचारियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में जंगली हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला, परिवार को मिलेगा 6 लाख का मुआवजा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक जंगली हाथी ने 50 वर्षीय महिला को कुचलकर मार डाला। जब महिला अपने पति के साथ गिरारी गांव जा रही थी, तभी उनका सामना एक हाथी से हुआ था। मृतक महिला के परिजनों को 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मृतका की पहचान यादव बाई कंवर के रूप में हुई है। वो अपने पति वृक्ष राम कंवर के साथ गिरारी गांव में जा रही थी, तभी उनका हाथी से सामना हुआ। नई सरकार की पहली कैबिनेट में पहला फैसला, 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को पीएमए के तहत मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाने के लिए मदद प्रदान करने का फैसला लिया गया। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना साल 2015-16 से लागू है, ताकि बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को मदद प्रदान की जा सके। बीते 10 वर्षों में PMAY के तहत गरीब परिवार के लिए कुल 4.21 करोड़ घर बनाए गए हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।